हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? दोस्तों आज का राइड स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मैं 10 बजे निकला हूँ रात को, और चलाऊँगा कब तक मुझे पता नहीं। मेरी मूड के हिसाब से मैं राइड करता हूँ। कल राइड नहीं किया था, कल घर पे ही था। बदरपुर में हूँ हमेशा की तरह, पेट्रोल डाल दिया। आज ज़्यादा तो नहीं डाला मैंने, 150 रुपये का पेट्रोल डाला, क्योंकि 10 तो बज ही गया। पता नहीं किसे कैसे राइड मिलेगा। दो दिन मेरे को अच्छा खासा राइड काम मिल गया था। एक दिन का वीडियो मैंने डाला नहीं था, उस दिन मैंने 1900 और 2000 के बीच में कुछ काम किया था। उस दिन मैंने वीडियो बनाया नहीं था, क्योंकि कंटिन्यू राइड ही राइड था। मैं बिना रुक के राइड भी कर रहा था, और मेरी मोबाइल कैमरा है ना, कभी कभार ऑन नहीं हो रहा है, उसकी स्विच ख़राब हो गया। तो अभी मुझे चांदनी चौक जाना है, उसे ठीक करना पड़ेगा। अभी कभी कभार ऑन करता ऑन नहीं होता है। तो एक दो बार मैंने किया था, फिर बाद में मैंने देखा कैमरा अपना भी बंद पड़ा हुआ है। उसके बाद फिर मुझे बनाने का मन नहीं करा, काम ही करता रहा। और सुबह तक मैंने अच्छा खासा काम भी किया था, और आज का पता नहीं क्या होगा। आज इतना ठंड तो नहीं फील हो रहा है मेरे को जैसे परसों था। परसों तो बहुत बुरा हाल था भाई, लेकिन कल सुबह तक 10 डिग्री तक पहुँच गया था। जब मैं सुबह छत में गया था तो बहुत ठंड था, तो मैंने देखा 10 डिग्री शो कर रहा था। देखते हैं। भाइयों, मुझे पहली राइड मिल गया, अली गांव गदमपुरी। ओके अरे क्या हो गया। पहले राइडर भाई है। ये जगह जो है महिपालपुर, पिकअप लोकेशन जो है महिपालपुर, और ड्रॉप लोकेशन है कनॉट प्लेस। टाइम हो रहा है 12:36। एक्सपीरियंस के हिसाब से भाई कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है, फिर भी जाके देखता हूँ भाई। अरे ये तो वही वाली गली है, एक दिन मेरे को बुला के खामखा घुमाया था। एक दिन भाई इसके अंदर है ना, काफ़ी घुमा दिया था एक बंदा ने मेरे को। कभी उधर बुलाता, कभी इधर बुलाता है। 10-15 मिनट जो है मुझे इधर उधर चक्कर काटने के बाद इन्होंने, हाँ जिंदल पैलेस यही जगह है, फिर उसने कैंसिल कर दिया था। यार आ जा भाई, अंदर आ जाओ। हाँ, मैं सोचा कहीं अंदर बुला रहे भाई, अब क्या कंफर्म कर रहे भाई। ये लो, हो सकते भाई नेक्स्ट टाइम से किसी को परेशान ना करो, ठीक है? हमारी वजह से किसी और को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, चाहे हम जैसे भी हो, ठीक है? हर कोई हमारे जैसे नहीं होता, समझ गया ना मैं क्यों बोल रहा हूँ? सब समझ सकता हूँ। ओके, गुड नाइट ब्रो। भाई को जाना था शादरा, उन्होंने कनॉट प्लेस यहाँ की बुक करा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो जो भी हो, उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है। कौन आ रहे भाई, आप ही हो? ओके, राम जस्टिस है या? ओ डैम, यू हैव गोप्रो एंशन, नाइस। ये इतनी बड़ी बात नहीं है। क्या बात कर रहे हो यार, क्या? वेयर आर यू फ्रॉम? केरला। आई एम फ्रॉम केरला ब्रो, कोट्टयम। कोट्टयम? आई एम फ्रॉम कन्नूर। बात कर रहे हो। कॉलेज यहीं पे हुआ? दिल्ली में कॉलेज किया? नहीं नहीं, केरला में। Since 20 years you are in Delhi and you are traveling. Yeah. So which all places you traveled? All India. And how do you manage your all finance? हो जाता है। हमें अपने पैशन के पीछे चल रहा हूँ, सब कुछ छोड़ दिया। What are you doing here? I came here for a UNESCO conference. Wow. She won a competition. Oh, nice. ओके, नाइस टू मीट यू। ओके, गुड नाइट। चले ब्रो, चलो
सो दोस्तों हम आ गए घूमते फिरते कहाँ आ गए अपना एयरपोर्ट। हाँ अब तक 744 रुपए का काम किया, ठीक है। बीच में आधे पौने घंटे रुक गया था, मुझे ठंड लग गया था तो थोड़ी रेस्ट लिया मैंने। अब एयरपोर्ट में देखते कोई काम मिल जाए तो यहीं से पिक कर लेंगे, वेट कर लेते। 4:30 हो गए भाई। सल्टोस देखो कितनी बुरी तरह से एक्सीडेंट हो रखा है, देख रहे हो? रात को देख के नहीं चलाते तो ऐसे ही हालत हो जाता है। गाड़ी घूम गई एकदम से। वो बेटा यहाँ से आए तो दोस्तों आपने आज का वीडियो देखा होगा। दोस्तों बाहर की जो नॉइस है प्लीज अवॉइड कर लेना, मैं छत के ऊपर बैठा हूँ, थोड़ी डिफरेंट होना चाहिए ना वीडियो में, कुछ ना कुछ डिफरेंट होनी चाहिए। तो कबूतर की आवाज़ आ रही है, गाड़ियों की नॉइस आ रही है, टोक टोक की आवाज़ आ रही है, सामने बिल्डिंग पर काम चल रहा है, वो सब अवॉइड कर लेना, ठीक है। मैंने 816 रुपए का काम किया था कल, ठीक है। ज़्यादा रेड नहीं किया मैंने, कल लेट नाइट निकला था, पता है कितने बजे, 6 बजे से पहले घर भी पहुँच गया था मैं। 4:30 बजे तक 700 कुछ कमाया था, उसके बाद 72 का कुछ 816 रुपए कमाया था मैंने, ठीक है। ये 6 घंटे लगभग 6-6.25 घंटे में या 6.5 घंटे मान लो इतने की मेरी कमाई है। मैं इतनी लंबी लंबी ट्रिप आ रहा था, मैंने उठाया नहीं क्योंकि रात को ठंड बहुत था, तो कंटिन्यू लॉन्ग ड्राइव करने के मूड में नहीं था कल मैं। कभी कभार ना मूड भी ख़राब हो जाता है तो मैं लंबी लंबी राइडें नहीं करता हूँ, तो ये भी बात होती है। और ज़्यादा राइड नहीं करा था मैंने कल, मुझे वैसे भी राइड करने के मूड में नहीं था, इसलिए मैं देर से निकला भी था और सुबह जल्दी आ भी गया था। हाँ इसमें मैंने लगभग मैं 100 किलोमीटर के करीब चलाया था। आपको पता है मेरी मीटर ख़राब है, तो डिस्टेंस वगैरह जो है पिकअप एंड जितना मैंने खाली चलाया है सब मैंने नोट करा था। 100 किलोमीटर मान के चलिए, ठीक है। पहले 150 रुपये का पेट्रोल मैं डाल के गया था और उसके बाद मैंने 100 रुपये का और पेट्रोल डाला था। मेरी बाइक की जो एवरेज है आप अपनी बाइक के एवरेज के बराबर मत करना, क्योंकि मेरी बाइक थोड़ा कम एवरेज देती है, काफ़ी पुरानी बाइक है, मैंने पता रखा हूँ काफ़ी वीडियोस में। और 100 किलोमीटर आपकी अगर अच्छा खासा माइलेज, स्प्लेंडर हो गया, प्लैटिना हो गया, ये सब नई नई बाइक की कह रहा हूँ, पुरानी नहीं, जो मेंटेनेंस में चलाता है, 65 की एवरेज अगर निकाल के देगा ना तो आपको 100 किलोमीटर में कितना खर्चा होगा, 2 लीटर भी, 2.5 लीटर के करीब खर्चा होगा, है ना। तो मेरी एवरेज के बराबर मत करना, आप ये मत सोचना कि मैंने 250 रुपये का पेट्रोल डाला और इतना ही कमाया, कभी कभार ऊपर नीचे चलते रहता है। और एक बाइक का कमेंट मैंने देखा था रापिडो में, उनका 2.8 वगैरह कुछ हो गया, 4.7 था उनकी रेटिंग। आजकल रेटिंग का बड़ी इश्यू आ रही है, काफ़ी लोगों की शिकायत है कि उनकी रेटिंग डाउन हो रही है, काफ़ी डाउन हो रहा है, इतनी अच्छी सर्विस देता हूँ उसके बावजूद भी रेटिंग कम हो रहा है। आप लोग मेरी वीडियो में देखा होगा कि काफ़ी ऐसे हरकतें करने वाले लोग हमारी पीछे बैठ जाते हैं, ठीक है। मेरी एक कंप्लेंट भी गया हुआ है, रिपोर्ट भी गया हुआ है कि उनको अनसेफ जगह में मैंने उतारा है। वो वही बंदा है, एक दिन मैंने आपको वीडियो में दिखाया था जो गुड़गांव में एक बंदा पीछे बैठ गया था, वो बंदा बैठ के पीछे बैठ के काफ़ी हरकतें कर रहे थे। मैंने उनको प्यार से समझाया, काफ़ी वार्निंग दिया, उसके बावजूद भी बंदा हरकतें कर रहे थे। तो मेरी जो बात है उन्हें पसंद नहीं आया, वो बंदा जो है आधे रास्ते में उतर गया, यानी कि ड्रॉप लोकेशन से 1.5 किलोमीटर पहले ही उतर गया। उस बंदे ने मेरी रिपोर्ट कर दिया कि मैं उनको अनसेफ जगह में उतार दिया, मेरे को वार्निंग आया हुआ, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ठीक है।
ऐसे हरकतें करने वालों की वजह से हमारी रेटिंग कम हो जाता है। और एक बंदा एक जो मैंने एयरपोर्ट में उतारा था, ठीक है, एयरपोर्ट में क्या है कि अंदर एंट्री नहीं है, वो बंदा मेरे पे काफ़ी गुस्सा कर रहे थे। मैं वीडियो नहीं बनाया था उस दिन का, वीडियो मैंने बनाया नहीं था, काफ़ी राइड था, मैं कंटिन्यू काम ही कर रहा था। जिस दिन मैंने 1900-2000 के करीब काम किया था, उस दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो बंदा काफ़ी गुस्से कर रहे, आप लोग यार कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जहाँ मर्जी उतार के चले जाते हो। उस बंदे ने भी ज़रूर मेरे को वनस्टार ही दिया होगा। और कई लोग, काफ़ी लोग जो है इमरजेंसी में चलना होता है, कोई काम तो होगा ही नहीं, ठीक है। सुबह सुबह के जो राइड आते हैं ना, मैक्सिमम सारी तेज चलाने वाला, तो भाई मेरे को जल्दी है, अर्जेंट है, 50 और 60 की स्पीड में चलाएगा तभी, और तेज चलाना है भाई, कितनी तेज चलाऊँ। ज़्यादा तेज चलाने से हमें हमारी कोई सेफ्टी नहीं है, उनकी भी कोई सेफ्टी नहीं है, और पेट्रोल भी इतना खर्चा हो जाता है, तो चलाने की क्या मतलब हो गया। अगर उन लोगों को बोलेंगे ना, सर देखो ज़्यादा तेज चलाना सेफ नहीं, अगर उन लोगों को समझाने की कोशिश करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बंदों को चाहिए 80-90 की स्पीड में या 100 की स्पीड में। कहते कि भाई 80-90 में तो कम से कम चला लो, मुझे जल्दी है, या नहीं तो आप उतर जाओ मैं चलाता हूँ। ऐसे हरकतें कुछ लोग करते हैं, ठीक है, उन लोग भी कभी आपको रेट नहीं देंगे। और एक बार क्या हुआ था, ये नाइट का टाइम था, मैडम पीछे बैठे हुए थे, वो बम्बू वाला रास्ता था। कुछ बम जो है नाइट में दिखता नहीं है, उसमें ना वाइट वाले ज़ेब्रा लाइन होते हैं ना, कोई इन्फॉर्मेशन हमें पता भी नहीं चलेगा। जब बम्ब आता है ना या गड्ढे आते हैं तभी पता चल जाता है। तो मैंने ब्रेक तो लगाई, लेकिन सामने जब पहुँचा तब मैंने देखा, मैंने ना अपनी ग्लास नीचे किया हुआ था, वाइट कलर के ग्लास ही था, विजिबल अच्छे थे। मैंने नाइट में चलाने के लिए, मेरे पास दो ग्लास है, एक डार्क शेड में है और वाइट में है। जब मैं नाइट में चलाता हूँ तो आजकल मैं वही यूज़ करता हूँ। आपको पता है फोगी वाला टाइम में जो है ग्लास नीचे करेगा, हल्का सा थोड़ी बहुत विजिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो मैं एकदम से नहीं देखा था, लेकिन मैंने ब्रेक तो लगा दिया था, लेकिन वो बम में थोड़ी सी उछल गया था। कुछ लोग जो होते हैं जिनको पता नहीं होता है, कुछ भी बोलने होते हैं लोग, तो भाई कुछ भी बोल देंगे, हम जो भी कहो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, वो मैडम की कहते हैं आपको कस्टमर जब पीछे बैठे कोई लेडीज़ बैठी तो आपको देख के चलाना चाहिए। देखो मैं तो हमेशा मैक्सिमम देख के चलाता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि अगर कोई भी बंदा इंसान पीछे बैठा हुआ तो मैं उनकी पूरी सेफ्टी रखूँ, पूरी ख्याल रखूँ, इतनी मैं सेफ चलाता हूँ। तो वो मैडम मेरे पे काफ़ी गुस्से कर रहे थे। मैंने मैडम को बोला, आई एम सॉरी मैडम, मैंने देखा नहीं था, देखो नाइट का टाइम है, विजिबिलिटी कम है, एकदम से आगे, इसमें पता भी नहीं था कि वो बम्ब वहाँ पर बना रखा है, ट्रेनिंग भी था, ठीक है। और एकदम से अगर सडन ब्रेक मैं लगा दूँ तो हो सकते गाड़ी स्किड हो जाए, हम दोनों गिर भी जाए। तो मैंने ब्रेक तो लगा दिया, लेकिन थोड़ी सी मैडम उछल गई, हमारी गलती तो है नहीं, ठीक है। लोग सेटिस्फाइड नहीं है हमारी राइड में, सेटिस्फाइड नहीं है तो भाई ज़रूर उनके मन में क्या है हमें पता नहीं है, ठीक है। मेरा भी 4.9798 फाइव स्टार, इस तरह 9.8897 इसी में चल रहा था, अब मेरा भी 4.93 आ गया। अभी लास्ट 500 राइड में जो है 6 लोग मुझे 1 स्टार दिया हुआ है। यही जो हरकतें करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। काफ़ी वीडियोस में देखा है, काफ़ी मतलब रेगुलर में इस चीज़ को वीडियो में नहीं डालता, अक्सर नाइट में मिल ही जाते हैं ऐसे लोग। तो इनको पसंद नहीं आया तो ज़रूर 1 स्टार ही देंगे। कुछ लोग जो है जानबूझ के मतलब ऐसे ही 1 स्टार दे के चले जाते हैं, 2 स्टार 1 स्टार देता नहीं है। जितनी भी अच्छी सिक्योरिटी दे दो, अच्छी सर्विस दे दो। मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि कस्टमर है ना, आप लोग मेरे से बोलते हैं कि कस्टमर ऐसे करते तो मतलब उनको वो करो ये करो, तोड़ो हाथ तोड़ो पैर तोड़ो, उनको सुना दो। देखो भाई, अगर हमने कुछ बोल दिया उनको पास कोई, काफ़ी लोग है भाई उनको कोई भी चीज़ पसंद नहीं आता है, जितनी भी अच्छी सर्विस दो तब भी लोगों को पसंद नहीं आता है। ये तो अपने रिपोर्ट करेंगे, बस 2-3 बंदे कंटिन्यू रिपोर्ट कर दिया ना, आईडी ब्लॉक हो जाएगी, समझ रहे हो। और आज मैंने ऊबर में बात किया था, ऊबर में क्या है कि बात करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मैंने इमरजेंसी में बात किया, उनको मैंने कंप्लेन कर दिया, मैंने कहा ऐसे ऐसे, खाली मैं नहीं, काफ़ी राइडर्स परेशान है। मैंने सब काफ़ी लोगों को बोला है कि हम लोग कई कई जगह के राइड इसलिए नहीं उठाते कि हम अनसेफ है, ठीक है, ऐसे हरकतें करने वाले लोग मिल जाते। मैंने उनको साफ समझा दिया, मैंने कम से कम 15-20 मिनट उनसे बात किया है। वो कह उन्होंने एक नंबर दिया जो लग रहा है रेगुलर जो मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन उसमें जितनी भी आप कस्टमर केयर में बात करने चाहोगे ना तो आप बात नहीं कर पाओगे, एक दबाव दो दबाव तीन दबाव फिर घूम फिर के वही स्टार्टिंग में आ जाता है, ठीक है, कभी भी आप उनसे बात नहीं कर पाएंगे। पहले एक बार बात किया था, पता नहीं इन्होंने सारे सिस्टम ही चेंज कर दिया ताकि लोग कोई परेशान ना करे, अपने घूमते रहे।
तो मैंने इनको, इनकी एक वेबसाइट है, फेसबुक पेज में भी वेबसाइट है, उसमें भी मैंने मैसेज डाला था ये सब रिलेटेड, कह रहे कि आप इसमें बात कर लो, इसमें तो बात हो ही नहीं पा रहे, ये नंबर दो दो नंबर दिए, दोनों नंबर में मैं ट्राई कर रहा हूँ, एक नंबर में जब ट्राई करते तो बोलते दूसरे नंबर में ट्राई कर लो, ये नंबर दे देते, उसमें ट्राई करता हूँ तो कहते एक दबाओ दो दबा दो, फिर घूम फिर के फिर एक दबाओ दो दबाओ, एक घंटा ट्राई करोगे तभी आप इनसे डायरेक्ट नहीं बात कर पाओगे, तो मैंने छोड़ ही दिया, मुझे नहीं मिल रहा था, तब जाके मैंने इमरजेंसी में फ़ोन मिलाया, इमरजेंसी में फ़ोन मिलाया मैडम को, मैंने ऐसे ऐसी परेशानी बताई, वो कह रहे कि मैडम ये हम लोग इमरजेंसी में बैठते हम इससे रिलेटेड कोई काम नहीं कर सकते, ना कोई मैसेज कर सकते ना कुछ कर सकते, मैं ठीक है मैडम ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर लोग जो है एक स्टार देने में भी दिक्कत होती है, पहले मैं सबको बोलता था सर फाइव स्टार दे देना फाइव स्टार दे देना, बोलने के बाद भी बंदा जो है आगे जाके पाँच स्टार देता, हमें पता चल जाता है बंदे कितने स्टार देते हैं, क्योंकि हम लोग रेगुलर स्टार रेटिंग चेक करोगे ना तो पता चल जाएगा, अरे एक रेड के बाद स्टार रेटिंग चेक करोगे तो पता चल जाएगा। एक भाई मेरे से पूछ रहा था कि सबकी रेटिंग कैसे पता, देखो सबकी रेटिंग हमें इंडिविजुअल नहीं मिलेगा, अलग अलग से देख नहीं पाएंगे, सबकी राइड करने के बाद जो है हम रेट चेक कर लो, ठीक है, अगर लास्ट कोई बंदा आपको ऐसे लग रहा है कि ये बंदा हमें रेट कम देगा तो कुछ देर राइड मत करना, वो देखोगे ना कुछ देर के बाद वो आपको शो करेगा लास्ट जो ट्रिप लास्ट जो आया था उसने उन्होंने कितनी रेट दिया हुआ है, ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल आप एक एक बंदे की आप जैसे बैंक स्टेटमेंट आते वैसे चेक नहीं कर पाओगे, इस बंदे ने मुझे कितना दिया इस बंदे ने कितना दिया ऐसे नहीं कर पाओगे, या आप हर एक राइड के बाद चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि लास्ट बंदे ने कितना मुझे दिया है, ठीक है, ऐसे आप चेक कर पाओगे। ऐसे दो तीन मेरे को मैं समझ गया था कि जो बंदे एयरपोर्ट में उतारा था उन्होंने मुझे कम रेट ही दिया, और जो पीछे बैठ के हरकतें कर रहे थे गुड़गांव में वो उसने मेरे को खुद ही बोला कि मेरे को ये उतार दे, ठीक है, और उसको उतार दिया। उसके बाद मैंने देखा है मेरी रिपोर्ट पहुंच गया, और इसमें शो भी कर रहा हूं मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिया हुआ है, ठीक है, ये अभी दे रहा हूं, तो इस वजह से रेट कम हो जाता। लेकिन भाई जो मेरे को दिखाया ये देखो, उन्होंने बोला कि 2.8 रेट आया हुआ, ये मेरे को समझ भी नहीं आ रहा रापड़ो में कैसे हुआ। रापड़ो में आप कॉल सेंटर में फ़ोन करके बात कर सकते हो, ठीक है, एक बार आप कॉल सेंटर में फ़ोन करके बात कर लीजिए कि क्या इशू है, ऐसे क्यों रेट कम हुआ है। देखो कस्टमर से अच्छा खासा बिहेव करो, ठीक है, अच्छा सा बिहेव करो, और आजकल बहुत सारे कंप्लेंट नहीं है, ये देखो खुद की लापरवाही की वजह से हो रहा है, कैंसिल करके ले जाता है, कस्टमर को बोलते हैं कि प्रेशर देते हैं कि कैंसिल करो, उन लोग कंप्लेंट कर दिए तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, तो ऐसे काम मत करो। मैं सभी को बोलता हूँ सजेस्ट देता हूँ, भाई लोग कहते हैं यार कमीशन काटते हैं, लेकिन कमीशन तो काटेगा भाई, वो अपनी सर्विस दे रहे हैं, वो अपनी बिजनेस कर रहे हैं तो वो अपनी कमीशन ही काटेगा। हर कोई कैंसिल करके ले जाएगा तो हम वो टू व्हीलर के लिए आईडी ब्लॉक हो जाएगी, हम नहीं चला पाएंगे, फिर क्या करेंगे यार, कुछ तो डिफरेंट है, आपको हर चीज़ नहीं पा, कुछ देखो कुछ खाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा। आप फ्री में काम करके किसी को देगा तो नहीं है ना, दोगे फ्री में सर्विस दोगे, आपने किसी कंपनी खोल दिया, ठीक है, आप सबको फ्री में काम करके दोगे, ऐसे कर सकते हो नहीं है ना, आप उसकी कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको चाहिए होगा ना, या कमीशन या फिर कुछ ना कुछ चाहिए होगा ना, इंटरेस्ट या कुछ कुछ भी हो आपको चाहिए होगा ना, यही तो इन लोग भी कर रहा है, तो हमें इनको सपोर्ट देने चाहिए। अभी देखो मेरे को भी अमाउंट मतलब मेरे को भी कम पैसे मिल रहा है, जब मैं जहाँ मेरे को 10 रुपये मिल रहा था अभी 8 रुपये 8.30 पैसे 8.5 रुपये कभी 9 रुपये कभी 9.5 रुपये मुझे भी पैसे कम ही मिल रहे हैं। देखो मैं भी एडजस्ट कर रहा हूँ, समझ रहे हो, एडजस्ट तो मैं भी कर रहा हूँ। कल परसों मुझे अच्छा खासा राइड मिल रहा था, कंटिन्यू राइड ही राइड था, पहले से राइड कंप्लीट होने से पहले मेरे को नेक्स्ट राइड बुकिंग था, काफ़ी लॉन्ग राइड जो है मैंने उठाया नहीं था जानबूझ के, मैं इतनी लंबी लंबी ट्रिप करने नहीं चाह रहा था, हवा बहुत चल रही थी कल रात को, कल राइडर्स भी बहुत ही कम था, कोई मुझे दिख भी नहीं रहा था, काफ़ी लोग मेरे को बोलते बुक करने के बाद तुरंत कॉल आ जाता भाई मैं 1 घंटे से खड़ा हूँ आधे घंटे से खड़ा हूँ कोई राइडर्स नहीं मिल रहे, बुक कैंसिल मत करना आपको एक्स्ट्रा पैसे भी दूंगा। मैंने कहा सर आप एक्स्ट्रा पैसे मत दीजिए मैं आ ही रहा हूँ, ऐसे जब कॉल आते तो मैं चला ही जाता हूँ उनको ड्रॉप करके आ जाता हूँ। तो दोस्तों ऐसे काम मत करना, कैंसिल करके ले जाना छोड़ दो, ठीक है, आप लोग कैंसिल करके ले जाते तभी रेट कम कर दें, ठीक है, उनको कमीशन नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो रेट कम करेगा ही, समझ रहे हो, तो हम अच्छी सर्विस उनको देंगे उनको सपोर्ट देंगे तभी वो रेट अच्छा मिलेगा। ऐसे भी प्रॉब्लम है काफ़ी लोग भाई, काफ़ी लोग 80% लोग कैंसिल करके ले जाते हैं, क्यों कर रहे हो यार,
हम अपनी दाल चावल में मिट्टी डाल दें, समझ रहे हो? कल को ये बंद करके सिर्फ फोर व्हीलर और थ्री व्हीलर में परमिशन देगा या चलाने को ऑप्शन देगा तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो काम कर रहे हैं इससे काफ़ी लोग कमा लेते हैं, काफ़ी लोग अपने घर चलाते इससे। तो जो काम करेगी ईमानदारी से करो, मैं हमेशा कहता हूँ ईमानदारी से करो और हमेशा अपने क्लाइंट से अच्छे से बात करो, अच्छा सा बिहेव करना सीखो। तो सबसे पहली बात, बात अच्छे से करो, उनको एक ऐसा लगना चाहिए कि मैं इनके साथ कंफर्टेबल हूँ। अगर उनको फील करेगा ना, लेडीज़ वगैरह होते हैं, उनको लगेगा कि मैं इनके साथ कंफर्टेबल नहीं है। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मेरे को ना एक मैडम ने मेरे को बताया थी, वो मैडम जब बैठ गए थे, ये बंदा गुड़का खा रहा था भाई साहब, ठीक है, उन्होंने गुड़का खा लिया, चलते चलते उन्होंने थूक दिया, वो मैडम के ऊपर जो है उनको स्प्रेड हो गया, उनके ऊपर जो है वो कुछ गिर गया हो गया या कुछ भी हो, उनको पसंद नहीं है गुड़का। किसी काफ़ी लोगों को पसंद नहीं, मुझे नहीं पसंद है। जो भी गुड़का गाह के सामने बात करता है ना, मैं पीछे हट जाता, मुझे बिल्कुल इरिटेट करता है इस चीज़ से। देखो आप जो खा रहे हो उसके एक उसकी जो स्मेल होती है यार, किसी को पसंद नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे सांस भी रुक जाता, मैं सांस को होल्ड कर देता हूँ। तो मैडम मेरे को बता रहे थे आपके इन लोग जो काम करते हैं गुड़का वुड़का खा के साइड में थूक देते हो, मैडम पीछे बैठे हुए कह रहे थे मेरे ऊपर गिर गई, उन्होंने ज़रूर आपके कंप्लेंट दिया होगा या आपकी राइटिंग कम दी होंगी। ऐसे काम मत करो, थोड़ा साफ सफाई में रहो, ठीक है। मैं इतनी अच्छी कंडीशन में रखता हूँ, इतनी लोगों को इतनी सेफली ले जाता हूँ, तभी मेरी रेटिंग कम ही दे देता है। ऊपर से फ्लाइट जा रहा था, मैं देख रहा था आवाज़ आ रही है ना, ये बाहर की नॉइस वगैरह अवॉइड कर लेना दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो वाइंड अप कर लेता हूँ, ठीक है। और सब अपने अपने ख्याल रखिएगा। रात को एक्सीडेंट वगैरह बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ मैं, आज के वीडियो में आपने देखा होगा कि गाड़ी घुमा कैसे घूम गया मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है। वो ABS CBD सब कुछ उसमें, और इतना अच्छा खासा गाड़ी है, वो ब्रेक लगाते हैं, मैं भी वो गांव में चला रखा है, छोटा भाई का है। इतनी अच्छी गाड़ी उस रोड में कैसे इतनी घूम गया मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है, और सामने कोई गाड़ी टक्कर भी नहीं मारी। तो ध्यान से चला लेना, हो सकते लोग वो ड्रिंकर रखा हो, अचानक गाड़ी मोड़ लिया, ब्रेक लगा के गाड़ी मोड़ लिया होगा। एक किया सेल्टोस ऐसे घूम जाना है और जाके डिवाइडर में टकराना है, उस एरिया में थे चलने का कोई चांसेस ही नहीं है। हो सकता है कि टर्मिनल 2 से आके थे चला के आया होगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है। रात का टाइम में जो भी चलाते भाई ध्यान से चलाइयो, मैं भी काफ़ी बचा के चलता, तभी मेरे साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है, बाल से बच जाता हूँ। हम जितनी भी सेफ चलाओ, लेकिन सामने वाला अगर सेफ नहीं है, ध्यान नहीं है, यहाँ के लोग इतनी ध्यान नहीं देते सामने वालों को, अपने से भी मतलब नहीं रखते तो दूसरे की क्या मतलब रखेगा। तो सेफली चलाइए, ध्यान से चलाइए, चारों तरफ ध्यान दीजिए, आगे पीछे साइड में सब ध्यान दे के चलाइए, ठीक है। जितना ध्यान दे के चला सकते हो उतना चलाओ, और पिलियन बैठने के बाद तेज मत चलाओ, और ये जो गुड़का उड़का खा के रास्ता में थूकना बंद कर दो। देखो बहुत गंदा है यार, ये गंदी चीज़ है। आपको अच्छा लगेगा, आपको कुछ सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा, मुझे पता नहीं, ये चीज़ मैं खाता नहीं इसलिए मुझे पता नहीं क्या मीठा है क्या है, कुछ पता नहीं है। लेकिन पिलियन को बैठा के ऐसे करके मत करो, आप साइड में थूक देते हो ना, पीछे उसकी थूक चला जाता है, पीछे वाले बंदे को पसंद नहीं है ना, जरूर आपकी रेटिंग कम कर देंगे। चलिए सब कुछ रहिएगा, और दूसरों को भी मदद करने के लिए सोचिएगा नहीं, छोटे छोटे मदद कीजिएगा। और चलो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।